लेट एस एन बी ए सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, मान लिया एस एन जो है बी ए सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर की सिक्वेंस है और विच इज बाउंडेड अबव, ये इसकी शर्त है कि ये बाउंडेड अबव है, विच इज बाउंडेड अबव। तो अगर हम मान लिया जब ये बाउंडेड अबव है, इसके अपर बाउंड जो है वो इस तरह से हैं, अगर एस एन, एस एन प्लस वन, एस एन प्लस टू, इस तरह से इसके अपर बाउंड्स हैं सारे। अब ये भी मान लिया कि इन अपर बाउंड में सबसे बड़ा अपर बाउंड एस एन है, सबसे बड़ा अपर बाउंड जो है वो एस एन है और बाकी जितने भी अपर बाउंड्स हैं दीज आर लेस देन एस एन, तो हम इसको ये लिखते हैं फिर एस एन के ऊपर बार लगा के, और इनमें से लिखेंगे इसको सुप्रीमम, कि इनमें से जो सबसे बड़ा है दैट इज कॉल्ड एस एन सुपीरियर, है ना, ये इसमें सबसे बड़ा है सुप्रीमम। तो अगर इसकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ली जाए, अच्छा इसकी ये शर्त भी है कि जो एस एन हम निकालेंगे कि एस एन सुप्रीमम ऑफ एस एन कन्वर्जिज, ये शर्त है इसके साथ में, कन्वर्जिज टू, या तो ये कन्वर्जेंट हो, या अगर इससे भी ज़्यादा अगर ना हो तो लिमिट जो है इसकी डाइवर्जिज टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो है ना ये सब घटते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सब, तो ये डाइवर्जिज टू माइनस इन्फिनिटी हो अगर, या तो कन्वर्जेंट हो, और अगर डाइवर्जेंट भी हो तो डाइवर्जिज टू माइनस इन्फिनिटी हो, ये भी शर्त है इसके साथ में। तो एस एन कन्वर्जिज और इसको ऐसे भी फिर लिखते हैं, वी डिफाइन द लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन बाई, ये इसको लिमिट सुपीरियर को ऐसे इसने डिफाइन किया है, फिर अगर हम इसमें लिखते हैं मैथ की लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एस एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन बार, कि इसकी जो लिमिट है वो एस एन बार की जो लिमिट होगी इसकी, है ना, इसकी लिमिट के इक्वल होगी। तो ये तो इसने लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन बताई है, ऐसे करके हम, अच्छा इसको समझने के लिए बता रहे हैं, अगर हमने मान लिया ये एक सिक्वेंस है माइनस वन टू द पावर एन, अगर इस सीक्वेंस के हम इसे एक्सपेंड करें, इसकी रेंज सेट लें, तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन वन, ये ही आएगी इसकी रेंज सेट, ठीक है। और इस रेंज सेट में हम अगर देखते हैं तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वन है, यानी कि सुप्रीमम इसका वन है, और सुप्रीमम ऑफ एस एन, और इन्फिमम लें अगर वो माइनस वन है, तो इसका मतलब ये लिमिट सुपीरियर है इसका, और ये लिमिट इन्फीरियर है, ठीक है। तो लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन हमने ले ली है, अगर हम लिमिट इन्फीरियर के बारे में बात करते हैं तो लिमिट इन्फीरियर, तो ये लेट एस एन बी ए सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो, ठीक है ना, अब इसे बाउंडेड अबव की जगह बाउंडेड बिलो हो जाएगी ये, और एस एन ये यहाँ इसे लिख लेंगे सुप्रीमम की जगह पे इन्फिमम, और यानी कि ये जो सीक्वेंस बन रही है इसकी, दीज आर ऑल टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब बढ़ते हुए क्रम में है, इनमें सबसे छोटा है एस एन, एस एन तो सबसे छोटा है, ये सब लोअर बाउंड है, तो इसलिए इसे इन्फिमम कहा है हमने, और इसे लिखेंगे हम कैसे कि एस एन, नीचे हम ये साइन लेंगे इसमें, और ये लिमिट इन्फीरियर कहलाता है ऑफ एस एन बाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ एस एन। और अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो हमें कहीं, तो यहाँ लिमिट इन्फीरियर लिखेंगे इसको, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ये लोअर
में आ जाएगा, ठीक है। और इसके ये इन्फिमम हम यहाँ से निकाल लेंगे कि ये सुपीरियर है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। इस तरीके से हम सुपीरियर और इन्फीरियर को डिफाइन करते हैं। एक दो एग्जांपल और भी, थ्योरम वन में है, इफ़ एस एन इज़ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड इफ लिमिट एस एन इक्वल टू एल देन लिमिट एस एन सुपीरियर, यानी कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी दोनों एल ही होते हैं। और इसका कन्वर्स भी प्रूव है कि अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों एल हैं देन एस एन इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू एल। अगर इन्फीरियर सुपीरियर दोनों एल हैं तो उसकी लिमिट भी एल ही होती है। ए सीक्वेंस एस एन डाइवर्जिज टू प्लस इन्फिनिटी इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों अगर इन्फिनिटी हैं तो वो डाइवर्जिज टू इन्फिनिटी होती है। ए सीक्वेंस एस एन डाइवर्जिज टू माइनस इन्फिनिटी इफ़ लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों अगर माइनस इन्फिनिटी हैं तो वो डाइवर्जिज टू माइनस इन्फिनिटी होती है। थ्योरम फोर में है, इफ़ एस एन एंड टी एन आर बाउंडेड सिक्वेंसेज ऑफ रियल नंबर्स सच दैट एस एन इज़ लेस देन इक्वल टू टी एन, यानी कि दो सिक्वेंस हैं इस प्रकार की कि एस एन टी एन से छोटी है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देन लिमिट सुपीरियर जो है उसकी लिमिट इन्फीरियर, इसकी मतलब टी एन की और एस एन की, एस एन की लिमिट सुपीरियर और टी एन की लिमिट सुपीरियर से छोटी होगी और जो इन्फीरियर है वो भी छोटा ही होगा दोनों। तो इस तरह के क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं ज़रूर ऑब्जेक्टिव बना के कि इफ़ एस एन एंड टी एन आर बाउंडेड सिक्वेंसेज ऑफ रियल नंबर्स, एस एन टी एन बाउंडेड सिक्वेंसेज हैं देन लिमिट, अच्छा इनके सम के लिए भी दिया है, लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन प्लस टी एन इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ टी एन, और अगर ग्रेटर के लिए लिमिट इन्फीरियर जो है वो ग्रेटर होता है। देखो ये हमें ध्यान ही रहने का, इसलिए इसे ध्यान से याद रखना है कि लिमिट सुपीरियर तो लेस देन है लेकिन लिमिट इन्फीरियर ग्रेटर देन है इनके सम के। ये क्वेश्चन हमें, अगर हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं बताओ। हम जो है एस एन प्लस वन, एन प्लस वनथ टर्म लेंगे और उसमें से एनथ टर्म को माइनस करेंगे। अब एन प्लस वनथ टर्म यानी कि एन की जगह पे एन प्लस वन रिप्लेस किया जाएगा तो ये जाएगा एन प्लस टू प्लस वन ओवर एन प्लस थ्री इस तरीके से, और वन अपॉन एन प्लस वन, है ना, टू हो जाएगा ये, है ना। चलो एक प्लस वन और आ गया, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं एस एन, यानी कि माइनस वन अपॉन इसको एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू माइनस वन अपॉन एन प्लस थ्री, ये माइनस होंगे और लास्ट में जाके ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन एन प्लस एन। इसमें से अगर माइनस करते हैं तो ये सारी टर्म्स इसकी कैंसिल हो जा रही है ना, ये सब कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, फिर तो क्या टर्म बचेगी इसमें हमारी, वन अपॉन, हाँ इसमें एक इससे पहली टर्म भी बचेगी वन अपॉन टू एन प्लस वन, और एक बचेगी वन अपॉन टू एन प्लस टू, दो टर्म बचेंगी ये, ठीक है ना। और एक ये बच रही है माइनस वन ओवर एन प्लस वन, ठीक है। ये टू इसमें से कॉमन ले लेंगे और टू कॉमन लेने के बाद ये फिर कितना बचेगा इसमें, माइनस का है ना, माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन बचेगा ये, और इसे थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये टू एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन ओवर टू एन प्लस वन इंटू टू और एन प्लस वन, और ये टू एन से ये माइनस वन आएगा ना, टू एन से टू एन कैंसिल और टू में से वन जाके वन, यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी बचती है। तो इसका मतलब है जब ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब एस एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एस एन। तो ये सभी जगह ऐसे ही करना है, अगर हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाना है तो एस एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एस एन, एक तो हमें ये दिखाना है, ठीक है। इसमें इंक्रीजिंग आ गया, अब इसमें लेंगे मोड एस एन, इसकी वैल्यू जो है अगर हम देखें तो
ये लिख रही है एन प्लस वन, ये ठीक है। इसमें ये देखो वन अपॉन एन प्लस वन जो है इज लेस देन वन अपॉन एन है क्या ये? इसे छोटा ही तो है ये, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो इसे छोटा होता जाएगा ये। ऐसे अगर हम देखें वन अपॉन एन प्लस टू, ये भी वन अपॉन एन से छोटा ही होगा, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये पूरी अगर इसकी कंपेयर करते हैं, दिस विल बी लेस देन वन अपॉन एन, फिर ऐसे ये भी लेस देन वन अपॉन एन, फिर नेक्स्ट टर्म भी लेस देन वन अपॉन एन, और ये सारी टर्म जो हैं दीज आर ऑल लेस देन वन अपॉन एन। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये है कि इन्हें हम जोड़ सकते हैं सभी को, और इनका एडिशन जो है कितना जाएगा बताओ भाई? वन अपॉन एन तो ये है ही, एन आ जाएंगी ये टोटल जोड़, और एन से एन कैंसिल होगा तो लेस देन वन आ गया। इसका मतलब मोड एस एन इज़ लेस देन वन, यानी कि ये टोटल पूरी सीक्वेंस जो है वो वन से छोटी है पूरी सीक्वेंस, क्योंकि जोड़ तो कर ही रखा हमने, ये हर एक टर्म की कंपैरिजन करी थी हमने, ये भी इससे छोटी है, ये भी इससे छोटी है, तो और इनका जोड़ कर लिया तो ये आ गया, और इसका मतलब मोड एस एन इज़ लेस देन वन। अब जब ये इससे वन से लेस है तो इसका मतलब ये बाउंडेड है, ठीक है ना, इसका जोड़ पूरा वन से लेस आ गया, तो एस एन इज बाउंडेड। तो एक तो ये बाउंडेड आ गई, और ये कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गई, और ये हमने फिर वो थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी उसमें, कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बस ये इस तरह से हम ये प्रूव करेंगे, अगर हमें कहीं प्रूव करने के लिए कहता है ना कि प्रूव करो ये कन्वर्जेंट है, तो ये मैंने वहाँ भी बताया था पढ़ाते हुए कि ये बहुत ज़रूरी थ्योरम है और ये काम आएगी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने में। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट, ये है इस एग्जाम्पल में। अब कुछ पूछ रहा हूँ तो बताओ। ये एक तो हम इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो दिखाई लेंगे आसानी से, एस एन प्लस वन माइनस एस एन निकाल लेंगे और वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, ठीक है ना, ये कितनी आ जाएगी? वन अपॉन फैक्टोरियल एन। तो इसका मतलब है ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हमें ये बाउंडेड और दिखाना है, चलो बाउंडेड कैसे दिखाते हैं। तो इसने एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए इसे कहा है, वन तो ये है ही, यानी कि एक तो टू होगी वैल्यू, और अब बाउंडेड दिखाने के लिए देखो, इसमें अगर हम ये देखें फैक्टोरियल, चलो फैक्टोरियल थ्री लिया हमने, एक बार ये सोच के देखो फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू क्या होगी? सिक्स, ठीक है, फैक्टोरियल थ्री सिक्स होता है, और टू टू दी पावर थ्री माइनस वन यानी कि टू, ये इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसी फैक्टोरियल फोर अगर लेते हैं तो ये कितना हो गया? चार तिया बारह दूनी चौबीस, 24 आ गया ना ये, और टू की पावर थ्री यानी कि इससे कम ले रहे हैं हम, है ना, फोर से, तो ये कितना? टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, तो भी ये बड़ा है। और इसी तरीके से अगर हम चलते जाते हैं आगे तक, या फैक्टोरियल फाइव भी देख लो, चलो एक आध और भी देख लो, फैक्टोरियल फाइव कितना होगा? 120, और टू टू द पावर फोर कितना होगा? 16, इससे बड़ा है ये, यानी कि इसका मतलब है कि फैक्टोरियल एन जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 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 द पावर एन माइनस वन, ये है। देखो ये हमने ले लिया, अब इसको अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना लिखेंगे? वन अपॉन फैक्टोरियल एन विल बी लेस देन, है लेस देन हो जाएगा, साइन इज चेंज, वन ओवर टू टू द पावर एन माइनस वन। तो ये तो क्लियर है, हमने ये चीज निकाल ली है कि वन ओवर फैक्टोरियल एन इज लेस देन वन अपॉन टू टू द पावर एन माइनस वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये देखो हमारी SN जो है वो क्या है, ये है SN, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो 1 है ही, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो लेकिन अगर सेकंड टर्म पे आए हम, तो ये 1/2 लिखें, और नहीं प्लस नहीं, ये प्लस 1/, देखो उसी से ही ले रहे हैं हम, वो क्या था उसे लिख के रख ले रहे हैं। 1/(n) इज लेस देन था ना, 1/(2^n-1) है ना। यहाँ जितनी संख्या है उसमें से एक कम लेना है, तो जैसे 2 है तो 2 में से एक कम, ये 2^0, तो ये 1 आ गया। चलो इसको 1 को 1 लिखा, 1/(1) को भी 1 लिख लिया, और इसे 1/2 प्लस 1/, अगर (3) आएगा तो इसे क्या लिखेंगे, 2^2, ये तो लिखेंगे। और इस तरह से हम चलते जाएंगे और लास्ट में 1/(2^n-2) लिखेंगे, ठीक है। ये अगर हम देखें ध्यान से, तो ये क्या है, यहाँ से आगे तक क्या बन रही है, ये GP बनी हुई है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अब इस GP में अगर हम इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं बताओ, क्या था फॉर्मूला भाई। ये 1 तो हमने अलग ही रख लिया, ये इस 1 से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीरीज हमारी यहाँ से स्टार्ट है। तो क्या था फॉर्मूला, तो अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स वाला लेना है हमें। तो ए तो 1 है, और कॉमन रेशियो इसका लेस देन 1 है, तो क्या लेंगे, 1 - 1/(2^n-1). क्या था फॉर्मूला, r^n। तो n तो यहाँ कम है ना, ये n-2, तो इसलिए कम ले लिए, और 1 - r, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको अगर देखते हैं तो ये इसे सोल्व कर लें तो ये 1/2 बचेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 1 + 2 × 1 - 1/(2^n-1), ये आ गया। अच्छा अब देखो इसको, अगर ये तुम्हें जान लेना चाहिए कि अगर 1/2 की पावर n-1 है, ये तो हमें क्लियर है ना, जैसे तो साफ कर देता हूँ मैं। अच्छा कि अगर n की वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी तक ले, तो 2 की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, 2 की पावर 2 है तो 4 हो गया, 2^3 है तो 8 हो गया, 2^4 है तो 16 हो गया, ये क्वांटिटी हमारी बढ़ती जाएगी डिनोमिनेटर में, है ना। और डिनोमिनेटर में बढ़ने का मतलब है कि ये बढ़ती बढ़ती डिनोमिनेटर की इन्फिनिटी तक जा सकती है, और 1/(infinity) क्या हो सकता है, 0, और 1 - 0 क्या होगा, 1, तो ये क्या हो गया, 1 + 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कितना बचा, 1 + 2, तो हम कितना भी ले लें ये वैल्यू विल बी लेस देन 3 होगी। तो इस तरह से क्या प्रूव हो गया कि ये बाउंडेड है सीक्वेंस। तो हमने जो वो कंपैरिजन करा था वो इसलिए करा था कि हम इनको चाहते हैं निकालना कि ये किस नंबर से लेस हो सकते हैं, इसलिए चाह रहे थे हम उन्हें करना सोल्व। अब ये हमने प्रूव कर लिया कि ये इससे लेस है 3 से, तो इसका मतलब SN जो है वो बाउंडेड है, एट ईच टर्म विल बी लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है सीक्वेंस बाउंडेड भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये कन्वर्जेंट होगी।